हे एवरीवन, वेलकम टू पिपोजिया। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम क्लॉक्स के बारे में। टाइम क्लॉक्स वैसे तो सभी के घरों में होती हैं, बट जो टाइम क्लॉक्स अभी इतनी कॉमन हैं वो पहले इतनी कॉमन नहीं थी। सो बैक इन द एरा, पीटर हेनलिक करके एक इन्वेंटर थे जिन्होंने टाइम क्लॉक को इन्वेंट किया था। पीटर हेनलिक का जन्म सन 1485 न्यूरनबर्ग जर्मनी में हुआ था। हेनलिक एक रिपेयरमैन और एक लॉकस्मिथ थे। वैसे तो उनके बारे में हिस्ट्री में इतना मेंशन नहीं है, बट कहा जाता है कि उन्होंने 3 शादियाँ की थी। कुछ टाइम तक पीटर अपने डेली लाइफ रूटीन में काफ़ी बिजी रहते थे, बट साल 1504 में उन्होंने कुछ अदर लॉकस्मिथ्स के साथ मिलकर क्लॉक डिजाइनिंग शुरू कर दी। उस समय पीटर हेनलिक 19 ईयर्स के थे, बट फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो और उनके फ्रेंड्स विवादों में फंस गए, जिसमें उनके काफ़ी दोस्त मारे गए। इसलिए पीटर हेनलिक वहाँ की एक लोकल मोनेस्ट्री में जाकर छुप गए, जो उन्हें वहाँ पर सबसे सेफ जगह लगी, और वहीं पर उन्होंने अपनी फर्स्ट वॉच बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा पोर्टेबल ऑर्नामेंटल स्प्रिंग पावर्ड ब्रास क्लॉक, जो कि उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव थी, क्योंकि वो कॉपर एंड गोल्ड से बनी थी। और आज के टाइम की तरह जहाँ पर वॉच बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पर ओनली रिच पीपल ही इसे खरीद सकते थे और पहन सकते थे। वो क्लॉक इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइन की गई थी कि उसे पहनकर लोगों को रॉयल्टी वाली फीलिंग आती थी। ब्रास क्लॉक साइज़ में बहुत ही छोटे थे, इसलिए लोग उसे एज अ पेंडेंट या फिर पॉकेट वॉच की तरह यूज़ करते थे। पॉकेट वॉच के इन्वेंशन के बाद पीटर हेनलिक जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए और उनकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई। क्राफ्टिंग एरिया से उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आने लगी। एंड ईयर 1541 तक पीटर हेनलिक पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गए। उनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई थी, स्पेशली यूरोपियंस कंट्रीज़ में, जहाँ पर फैशन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पीटर हेनलिक ने सिर्फ स्मॉल वॉचेस ही नहीं बल्कि टावर क्लॉक्स भी बनाए थे, जो कि लिनेश्यू कासल जर्मनी में ही है। अपने टाइम पर पीटर ने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न क्लॉक भी बोला जाने लगा। बट अनफॉर्चुनेटली सन 1542 में ही डाइड एट द एज ऑफ 56। वैसे कुछ बुक्स में गिवन है कि उनका मर्डर हुआ था, बट सम बुक्स और इनसाइट्स आर सेड कि इट वॉज अ नेचुरल डेथ। बट जो भी हुआ हो, द बिटर ट्रूथ इज कि ही वॉज डाइड। बट उनकी इन्वेंशन मॉडर्न एरा में कितना काम आता है वो हम सब जानते हैं, और उनकी डिज़ाइन की हुई फर्स्ट क्लॉक पोर्टेबल ऑर्नामेंटल स्प्रिंग पावर्ड ब्रास क्लॉक की प्राइस आज भी बहुत एक्सपेंसिव है। US डॉलर्स की बात करें तो वो आज भी 50 to 80 million dollars में सेंट होती है, और साल 2014 में अमेरिका फैशन वीक मैगजीन में भी उसे फ्रंट पेज के लिए चुना गया था। पीटर हेनलिक वॉज नो मोर, बट जर्मनी में उनके सम्मान के लिए कई सारे स्टैचूज बनाए गए, जिसमें वो अपनी पॉकेट वॉच से टाइम देखते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे पीटर हेनलिक अकेले इन्वेंटर नहीं थे जिन्होंने स्मॉल वॉचेस डिज़ाइन की थी, बल्कि उनसे पहले कई इन्वेंटर्स ने स्मॉल वॉचेस डिज़ाइन कर दी थी, लेकिन उनका काम और उनका नाम हिस्ट्री में कहीं खोकर रह गया। सो ये थी स्टोरी पीटर हेनलिक की, द फादर ऑफ मॉडर्न क्लॉक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।